बात है सर, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में एक तरफ हवा चली थी कि असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, वो हवा चले हुए कितना समय बीत गया पर अभी तक इलेक्शन का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया। हमारे लोगों की बदनसीबी है कि ऐसे बेवकूफ लोगों की सरकार बना दी जिनको समय नहीं है, यहाँ एमरजेंसी लगी हुई है। क्यों ना बेटर प्रेसिडेंशियल रूल है, गवर्नर रूल है, हमारी लोकतंत्र की हत्या बड़े वर्षों से लगातार होती आ रही है, यहाँ की जो हालत है। तो कहने का मकसद है इलेक्शन कैसे करवाए, इन्होंने अभी जम्मू को जितना लूटना जम्मू कश्मीर का, पर लूट एक तसली तो हो जाए, वो लूट पे लगे हुए हैं और सारे माइंस मिनरल सारी चीजें इन्होंने हमारी तबाह कर दी, जमीनें लोगों की छीन ली, बर्बाद तो कर दी, नौकरी लोगों को नहीं दी। मुझे बताओ अभी ये क्यों चाहेंगे इलेक्शन, इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है, ये तो चाहेंगे नहीं इलेक्शन। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं होते तो इलेक्शन सॉल्व नहीं होगा, ये बात भी होती। सितंबर की बात की गई थी और अभी तक कोई नामो निशान नहीं दिखता। सुनो ना, सितंबर तक का टाइम है ना, हम क्यों कह सकते हैं इसकी बात, जब हम तो अपनी तैयारी में लगे लगेंगे करेंगे लाइन तो लड़ेंगे। पिछली बार जब कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस सरकार बनाई इतनी सीमा निकले, इसलिए इन्होंने एलजी साहब को पावे इंतहा पावे दे दी। पिछले दिनों लगातार आतंकी घटनाएं भी इतनी बड़ी है, आतंकी घटनाएं अभी बड़ी है और बढ़ रही है, इनकी करतूतों से बढ़ रही है। हाई रिचेस पे जहां भी आर्मी थी, सीआरपीएफ थी, सारी हटा दी। क्यों हटा इन्होंने? पर जम्मू संभाग में क्यों देखने को मिल रहा है? जम्मू संभाग में जहाँ बड़ी एरिया था हमारा, ऊपर का एरिया, सारा एरिया की बात मैं विजिट किया, वहां इन्होंने टोटली आर्मी लगी थी कई दिनों से। हम लोग पार्टी मेरी और सारे लोग चला रहे थे कि भाई साहब हमारा वो करिए, आर्मी वापस करिए, स्टोर करिए, ये तो हालत खराब हो गए। और अभी क्या लगता है आपको कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, कांग्रेस इस बार जीतेगी, लोकसभा इलेक्शंस की बात आई थी एक हफ्ते के अंदर अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, इस बार हवा तक की चल चुकी है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। वो देखते हैं ना, इनका काम है, हमारा काम को काबू करें पहले। हमारी मांग ये है, जैसे इन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी नेटवर्क था उसको इन्होंने पिछले सालों में कमजोर कर दिया। स्टेटहुड के बारे में भी आपने आज मांग रखी है, क्या लगता है कि स्टेटहुड हमें वापस मिल पाएगा? 10 साल होने वाले, 10 साल ये ना दे पार्टी, हमारा काम है मांगना और हमारी सरकार बने हम लेंगे, बना देंगे। बातचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से रविंदर जी, और दूसरी तरफ जिस जिन्होंने इस बार एमपी के इलेक्शंस के लिए कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से फाइट किया है, यानी कि चौधरी लाल सिंह, उनका कहना है कि इस बार स्टेटहुड वो लोग लेकर ही रहेंगे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही स्टेटहुड मिलेगा? देखते रहिए और अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा करते रहिए। तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी अरुण को दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए दैनिक समाचार टीवी।